महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 10वीं क्लास के सभी छात्र बिना एग्जाम होंगे पास। नवी कक्षा के नंबर और 10वीं के इंटरनल असेसमेंट के नंबरों के आधार पर आएगा रिजल्ट। महाराष्ट्र में 24 घंटे में सामने आए 20,740 नए मामले, 424 मरीजों ने गवाई जान। मुंबई में भी कोरोना की दूसरी लहर से सुस्ती, 24 घंटे में 929 नए मामले, 30 मरीजों की मौत। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दूसरी बार मुंबई में आए हैं 1,000 से कम केसेस, एक्टिव केस हैं करीब 28,000। जिन छात्रों के हो चुके हैं विदेशी यूनिवर्सिटियों में एडमिशन, उनके वॉक इन में वैक्सीन लगाएगी बीएमसी। मुंबई में सोमवार, मंगल और बुध को ऐसे छात्रों को राजावाड़ी, कपूर और कस्तूरबा वैक्सीनेशन सेंटर में फ्री में लगेगी वैक्सीन। औरंगाबाद में कोरोना पीड़ित महिला ने ऑटो के भीतर खुद को किया क्वारंटीन, 11 दिनों से ऑटो में ही रहने के लिए मजबूर। सुशांत सिंह का रूममेट रहा सिद्धार्थ पिठानी, ड्रग्स केस में गिरफ्तार, एनसीबी ने किया गिरफ्तार। ईडी ने आज बॉलीवुड प्रोड्यूसर और बिल्डर यूसुफ लकड़ावाला को गिरफ्तार किया, 50 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस। हैदराबाद के निजाम के वारिसों की 50 करोड़ रुपए की जमीन हड़पने की कोशिश के मामले और धोखाधड़ी से जूझ रहे एक केस, कल ईडी ने की थी लकड़ावाला से पूछताछ। मुंबई में चेन स्नैचर्स का गैंग गिरफ्तार, पहचाने जाने के डर से बार बार मुंडवा लेते थे अपना सेल। पूरे गांव से पकड़े गए आरोपियों से 4 मोटरसाइकिल, 14 मोबाइल के अलावा 3,00,000 कैश भी बरामद, कई थानों में इन पर मामले दर्ज। जीएसटी काउंसिल की बैठक खत्म हुई, कोरोना से जंग से जुड़े सामानों पर 31 अगस्त तक नहीं लगेगा टैक्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की वर्चुअल बैठक, ब्लैक फंगस की दवाइयों पर भी टैक्स को हटाया गया। 8 जून तक टैक्स को लेकर रिपोर्ट जमा करने के लिए बना मंत्रियों का समूह, दरों में कमी को लेकर आगे हो सकता है फैसला। रियल एस्टेट सेक्टर ने कोरोना काल में सरकार से लगाई है राहत की गुहार, कहा जीएसटी छूट से लेकर पोजीशन की मियाद तक के लिए रियायत मिले। बीपीसीएल में 100% हिस्सेदारी बेचने के लिए एफडीआई नियमों में बदलाव कर सकती है सरकार, मौजूदा नियमों के तहत 49% हिस्सेदारी बेचना मुमकिन। कोविड-19 से भारत में आर्थिक संकट गहराया, रॉयटर्स के पोल का दावा, नौकरियों का संकट बढ़ाएगी कोरोना की दूसरी लहर। कोरोना काल में ई कॉमर्स कंपनियों की एफएमसीजी बिक्री में जोरदार उछाल, 50% बढ़ी रोजमर्रा के इस्तेमाल के सामान की ऑनलाइन बिक्री। होंडा के आने वाले स्कूटर्स होंगे ब्लूटूथ से लेस, स्मार्टफोन से हो जाएंगे कनेक्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। महाराष्ट्र में 10वीं क्लास के सारे छात्र इस साल पास कर दिए जाएंगे। महाराष्ट्र में इस साल कोरोना की वजह से बोर्ड के 10वीं के एग्जाम कैंसिल कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने आज ये भी बताया है कि किस तरह 10वीं के छात्रों को परीक्षा अंक दिए जाएंगे। महाराष्ट्र में 10वीं क्लास की परीक्षा होनी तो मार्च में थी, मगर अचानक कोरोना के मामले बढ़ने लगे और परीक्षाएं आखिरकार कैंसिल कर दी गईं। तभी से ये सवाल उठ रहे थे कि जो छात्र इस साल परीक्षा देने वाले थे उनके भविष्य का क्या होगा, उनको किस आधार पर अंक मिलेंगे। महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने आज ये साफ कर दिया। उन्होंने बताया कि सभी छात्रों को प्रमोट किया जाएगा और उन्हें 9वीं क्लास के अंकों और 10वीं क्लास में हुई इंटरनल असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट मिलेगा। विद्यार्थ्याचे इयत्ता 10वी वर्षातील अंतर्गत लेखी मूल्यमापनाला आम्ही 30 गुण देत आहोत। विद्यार्थ्याचे 10वीचे गृहपाठ, तोंडी परीक्षा किंवा प्रात्यक्षिक परीक्षा याच्या आधारावर आम्ही त्याला अंतर्गत 20 गुण देत आहोत आणि विद्यार्थ्याचा 9वीचा विषय निहाय अंतिम निकाल यांना आम्ही 50 गुण देत आहोत। म्हणजे 50 गुण आम्ही गटे जे आहे ते जर आपण बघितलं विषय निहाय 100 गुणांपैकी, तर 9वीचे संपादन केलेल्या गुणांपैकी 50% आपण भरावून देत आहोत आणि 10वीचे संपादन ज्यांनी केलेलं आहे त्यासाठी आपण 50% आपण भरावून देत आहोत। महाराष्ट्र में एसएससी के 16,00,000 छात्र हैं। 11वीं में एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा जो वैकल्पिक होगा। जो छात्र इस टेस्ट में बैठेंगे उन्हें 11वीं में दाखिले के लिए वरीयता दी जाएगी। महाराष्ट्र बोर्ड के साथ दूसरे बोर्ड के छात्र भी इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को दे सकते हैं। 2 घंटे लंबा ये टेस्ट कक्षा 10 के सिलेबस के आधार पर होगा। 10वीं का रिजल्ट जून के आखिर में आएगा। जिन छात्रों को लगेगा कि अगर उन्होंने परीक्षा दी होती तो वो ज्यादा अच्छा कर सकते थे, उनके पास बाद में 2 विषयों की परीक्षा देने का विकल्प भी खुला रहेगा। ज्या विद्यार्थ्यांना वाटते की आम्हाला समाधान नाही या मार्काची, त्यांच्यासाठी श्रेणी वर्धनासाठी पुढील 2 परीक्षेची संधी असणार आहे, परंतु त्यावेळेला ज्या वेळेला कोविडची परिस्थिती सामान्य असेल। महाराष्ट्र बोर्ड में 12वीं कक्षा के 14,00,000 छात्र हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं की परीक्षा रद्द करने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई सोमवार तक टाल दी है। महाराष्ट्र सरकार कोरोना महामारी को देखते हुए 12वीं की परीक्षा कराने की भी इच्छुक नहीं है। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ये चर्चा भी कर रही है कि कोविड 19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए 5 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट करवाया जाए। मुझे लगता है ये बहुत ही यानी इसके प्रति सहानुभूति रखते हुए निर्णय लेना जरूरी है। जिनके माता और पिता दोनों भी अगर कोरोना के वजह से अगर उन्होंने खोए होंगे 100% उनके प्रति कुछ अलग से पॉलिसी लेके उस पे गौर करना जरूरी है। हम जरूर उसके बारे में सोच के योग्य तो निर्णय लेंगे। इस जैसे ही कुछ और प्रस्ताव लेकर महिला और बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिली। जो बच्चे अपने फैमिलीज खो चुके हैं, अपने दोनों पेरेंट्स माँ और बाप खो चुके हैं, उनके लिए हम लोग 5 लाख रुपए उनके अकाउंट में डाल सकते हैं क्या डिपॉजिट करके, इसकी पॉसिबिलिटीज देखी गई। और जो जिन बच्चों के एक ही पेरेंट खोया है और दूसरा पेरेंट फाइनेंशियली जो कमाता नहीं है, उनके भी लिए भी हम लोग बाल संगोपन योजना में उनको इंक्लूड करके बाल संगोपन योजना का थोड़ा सा बढ़ा के कीमत, जैसे आज 1125 रुपीस देते हैं तो उसे 2500 हम लोग दे पाएंगे क्या, इसके भी डिस्कशंस हुए। मुंबई से मुस्तफा शेख और सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त और फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। ये गिरफ्तारी ड्रग्स केस में की गई थी। कोर्ट ने एनसीबी को सिद्धार्थ की 5 दिन की कस्टडी में भेज दिया है। 16/20 ड्रग्स केस मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सिद्धार्थ पिठानी नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। सिद्धार्थ पिठानी एक समय में बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के रूममेट भी रह चुके हैं। इस गिरफ्तारी के साथ ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अब 35 लोगों को इस ड्रग्स केस में गिरफ्तार कर लिया है। हैरानी की बात तो यह है कि एनसीबी का कहना है उसने सिद्धार्थ पिठानी को पहले भी कई समन्स दिए जिसका सिद्धार्थ पिठानी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद एनसीबी हरकत में आ गई। इंटेलिजेंस की उसने अपनी एजेंसीज तैयार करी, ट्रैक टीम तैयार करी और लोकेशन को हैदराबाद में खंगाल लिया। परसों रात को अरेस्ट किया सिद्धार्थ पिठानी को, हैदराबाद से घर को खंगाला गया और काफी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी एनसीबी ने अपने पास रख लिया है। एनसीबी की कस्टडी में खड़ा सिद्धार्थ पिठानी सुशांत सिंह राजपूत के साथ उन्हीं के फ्लैट में रहता था। सुशांत के शव को सबसे पहले देखने वालों में से एक सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ पिठानी सुशांत की ड्रीम टीम का हिस्सा हुआ करता था। अब ड्रग केस में साजिश के आरोप में सिद्धार्थ पिठानी के खिलाफ धारा 28, 29 और 27 से लगी है। ड्रग केस में ये 35वीं गिरफ्तारी है। 2 दिन पहले हैदराबाद में सिद्धार्थ पिठानी को इंटरसेप्ट किया गया क्राइम नंबर 16 के सिलसिले में। माननीय न्यायालय के सामने उसको प्रस्तुत किया गया हैदराबाद में। उसके बाद ट्रांजिट रिमांड में आज लाया गया इन्हें और आज इनको मुंबई के ACM माननीय ACM न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया गया है और 1 तारीख तक एनसीबी रिमांड मिली उनकी। 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया था। मुंबई स्थित फ्लैट में उन्होंने फांसी लगाकर जान दी थी। सुशांत की मौत ने सबको हिलाकर रख दिया था। सुशांत के घर वालों ने उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर संगीन आरोप लगाए थे। सुशांत की मौत की केस की जांच के दौरान ड्रग एंगल भी सामने आया। इसके बाद एनसीबी इसकी जांच में लग गई। इसमें रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती समेत कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। अब एनसीबी ने सिद्धार्थ पिठानी को भी अरेस्ट कर लिया है। आज सुबह ट्रांजिट रिमांड के द्वारा हैदराबाद से सिद्धार्थ पिठानी को मुंबई लाया गया और यहां पर न्यायालय ने उसको 5 दिन की एनसीबी कस्टडी दी है। एनसीबी का कहना है कि सिद्धार्थ पिठानी सुशांत सिंह राजपूत की ड्रीम टीम का हिस्सा था। वो सैमुअल मिरांडा, शौविक चक्रवर्ती और कई लोगों के साथ करीबी रिश्ते रखता था। आगे की तहकीकात इस पूरे मामले में चल रही है। कैमरा पर्सन किरण सकपाल के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। कोरोना से ठीक होने के बाद आजकल ब्लैक फंगस इन्फेक्शन की वजह से मरीजों को दोबारा अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है। क्या है ब्लैक फंगस, ये बीमारी होती कैसे है, इसके लक्षण क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसका इलाज क्या है, इन सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं पुणे के डॉक्टर रविंद्र सरदेसाई। म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस शरीर के कौन से हिस्से को संक्रमित करता है, कितना घातक हो सकता है,
इसके पहचाने के लिए मरीज ने क्या करना चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर रविंद्र सरदेसाई सर है, जो कि चीफ सर्जन है ब्लैक फंगस मरीजों का इलाज यहाँ जहांगीर अस्पताल में वो करते हैं। ये ब्लैक फंगस हमारे शरीर में कैसे जाती है, तो ये हवा से जाती है। हवा में इसके स्पोर्स हर जगह हैं और हम लोग सब उसको इनहेल कर रहे हैं, लेकिन हमें सबको वो नहीं होता क्योंकि हमारी प्रतिकारक क्षमता बहुत अच्छी है। जिनकी प्रतिकारक क्षमता या तो डायबिटीज की वजह से, या तो शुगर ज्यादा बढ़ने की वजह से, या तो कोविड के इन्फेक्शन की वजह से और उसकी मेडिसिन की वजह से कम हो गई है, उनमें यह संक्रमित होने की संभावना ज्यादा है। जाने इनकी प्रतिकार क्षमता कम है, ऐसे पेशेंट ये इनहेल करते हैं तो ये सब स्पोर जाते हैं नाक में। नाक में एक ऐसा एरिया है जिसे कहते हैं मिडिल मियाटस। ये मिडिल मियाटस में से पूरी हवा जाती है अंदर की बाजू में। सो जो भी स्पोर्स हवा में से जाते हैं ये मिडिल मियाटस में जाके ठहरते हैं, दैट इज द एंट्री एरिया ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस। कहा जो जाता है कि वेंटिलेटर से भी संक्रमण हो सकता है, तो जो वेंटिलेटर्स के जो यूटेंसिल्स या जो ऑक्सीजन के चेम्बर्स होते हैं या पाइप्स होते हैं, उनमें साफ नहीं रखने से भी ये इसका प्रादुर्भाव बढ़ता है, ये पॉसिबिलिटी है। इसके ऊपर अभी काफी विवाद हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन जो जाता है, वो ऑक्सीजन जाते टाइम उसको ह्यूमिडिफाई करने के लिए जो ह्यूमिडिफायर यूज किया जाता है, जिसमें स्टेराइल वाटर रहना चाहिए, उसमें कभी कभी अगर अनस्टेराइल या टैप वाटर डाला गया तो ऐसे हो सकता है क्या, इसके ऊपर अभी विवाद चल रहा है। डेफिनेटली मालूम नहीं है, लेकिन क्लीनलीनेस ऑफ दीज पाइप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो सबके लिए है। अब ये जब ब्लैक फंगस अंदर जाती है नाक में, तो इसके अर्ली सिम्टम्स क्या हैं ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें पहले नाक के सिम्टम्स हैं, जिसमें नाक बंद होना, नाक से ब्लैक क्रस्ट आना, थोड़ा सा खून आना, नाक के आजू बाजू के साइनस एरिया में नमनेस यानी बधिरता आना या उसमें पेन होना, इस तरीके यहां से आंख की तरफ जाए तो आंख में लाल होना, आंख से दिखने में कमती होना, डबल दिखना, आंख का स्वेलिंग बढ़ जाना और धीरे धीरे आंख की विजन जाना, और जब वो नीचे दांत के तरफ जाएगा तो दांतों में पेन होना, दांत लूज हो जाना, कभी कभी गिरना भी, ये सब इसके लक्षण हैं, पहले वाले लक्षण। कि ये लक्षण आप अगर याद रखेंगे, अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपको डेफिनेटली तुरंत ईएनटी डॉक्टर के पास जाना है, जो नाक के अंदर देख सकता है एक इंडोस्कोप की जरिए, और फिर उसको अगर वो एरिया में काला एरिया है कि नहीं, ब्लैक फंगस है कि नहीं, ये दिख जाता है और उससे डायग्नोसिस हो सकता है। यहाँ पे जो नेजल ये जो है साइड सेक्शन, इसके अंदर दांत भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर कहाँ कहाँ असर होता है ब्लैक फंगस? तो ये जो एरिया है ये सेप्टम का एरिया है, इसके बाजू में जो वॉल रहती है जिसे लैटरल वॉल कहते हैं, उसके ऊपर ये इन्फेक्शन जाता है, और ये इन्फेक्शन इस तरह से होता है कि इसे कहते हैं एंजियो इन्वेसिव। तो ये ब्लड वेसल्स को खा जाता है, और जो भी ब्लड वेसल्स जैसे जाते हैं, हर एक ब्लड वेसल के साथ वो या तो दांत में जा सकता है या तो आंख में जा सकता है, और जैसे जैसे इन्फेक्शन ज्यादा प्रभावी होता जाता है और अगर उस पेशेंट की प्रतिकार शक्ति बहुत ही कम है तो ये फैलेगा जोर से, और वो पूरा वो अपर जॉ डिस्ट्रॉय कर देगा, आंख कभी निकालनी पड़ेगी, और कभी कभी उसके जरिए वो अंदर ब्रेन में जाएगा, जिससे जानलेवा बीमारी हो सकती है। ये गाइडलाइन क्या दोगे आप जो कोविड के मरीज है, जैसे आपने कहा कि पहले जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं उसके बाद, या पहले सिम्टम दिखने के जो चिन्ह है, लक्षण जो है, जैसे आपने कहा कि आंख नाक वहां पे दर्द होना, लाल होना, इसके अलावा भी कुछ है कि जो कोविड के मरीज होने ठीक होने के बाद? सबसे कॉमन है कोविड के मरीजों में डायबिटिक्स की प्रमाण बहुत ज्यादा है, और उनको स्टेरॉइड्स भी दे जाते हैं। तो जो कॉमन डिनोमिनेटर इसमें से निकला है वो ये है कि इन लोगों की, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, ज्यादातर पेशेंट्स की शुगर बहुत ज्यादा होती है। तो इसका प्रतिबंध करने के लिए उपाय हर एक कोविड मरीज को मैं बताऊंगा कि आपकी शुगर मॉनिटर कीजिए, HbA1c नाम की टेस्ट करिए, जिससे 3 महीने की एवरेज शुगर मिलेगी, और इसके जरिए ये शुगर अगर ज्यादा है तो आप ऐसे हैं कि जिनको ये तकलीफ हो सकेगी। फिर आप ये सब जो अर्ली सिम्टम्स हैं उसके लिए सतर्क रहिए, अगर वो अर्ली सिम्टम्स आप में दिखाई दिए तो तुरंत ईएनटी सर्जन के पास जाइए, नेजल एंडोस्कोपी बायोप्सी कराइए, जरूरत पड़ी तो एमआरआई कराइए, जरूरत पड़ी तो आंख के डॉक्टर और दांत के डॉक्टर को दिखाइए,
और अगर जरूरत पड़े तो ऑपरेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट ये सब अपनाइए जितना जल्दी हो सके उतना। अगर आप जल्दी करेंगे तो आपको ये डिसीज काबू में कर सकेंगे। अगर लेट हो गए, आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, सोचा नहीं इस जानलेवा बीमारी के बारे में, तो ऐसा भी हो सकता है कि बाय द टाइम यू गेट डायग्नोज द टाइम टू सेव योर लाइफ इज गॉन। यहाँ पर आपने सुना कि कोविड के मरीजों को ब्लैक फंगस, इस बीमारी का संक्रमण हो रहा है। इसकी एक वजह जो बताई जा रही है कि स्टीरोइड्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर हम इस कोरोना महामारी के दौर में खुद को सही रखे, मास्क लगातार पहने रहे, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, हाथ लगातार साबुन से धोते रहे, तो पहले ही हमें कोविड नहीं होगा। अगर कोरोना नहीं हुआ तो फिर ब्लैक फंगस होने का जो चांस है वो भी कम हो जाता है। कैमरन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे आज तक। भारत का वैक्सीनेशन कार्यक्रम इस वक्त हाफ रहा है और इसे तेज करने के लिए भारत की नजर है विदेशी वैक्सीन पर। भारत में कोविशील्ड कोवैक्सीन पहले से ही है, स्पुतनिक की एंट्री हो चुकी है और अब भारत की नजर है मॉडर्ना, फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन पर। सवाल अब यह है कि विदेशी वैक्सीन और खास तौर पर फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन को तुरंत भारत में लाने में सवाल क्या है, पेच क्या है, और ये दोनों ही वैक्सीन भारत में पाए गए कोरोना वायरस के दो वेरियंट्स पर कितनी असरदार है। कोरोना से मुक्ति का कारगर हथियार वैक्सीनेशन ही है, लेकिन वैक्सीन की डिमांड और सप्लाई की चेन ब्रेक हो गई है और पूरा वैक्सीन प्रोग्राम धीमा पड़ गया है। इस मिशन को विदेशी वैक्सीन की जरूरत है। भारत सरकार का कहना है कि कुल 20 करोड़ से ज्यादा डोजेस भारत में वैक्सीनेशन की दी जा चुकी है, लेकिन अगर हम इसे भारत की कुल जनसंख्या के मुकाबले देखें तो ये सिर्फ 3% का आंकड़ा सामने आता है। इसके मुकाबले यूनाइटेड किंगडम में देखें तो वहां पर 50% से ऊपर लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। बहुत ज्यादा लोगों को दूसरी डोज दी जाए इसके लिए एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का डोज गैप यूके सरकार ने फिर से कम कर दिया है। भारत में ये गैप अब भी 12 से 16 हफ्तों का है। भारत के सामने वैक्सीन लाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। भारत में कुल जनसंख्या में सिर्फ 3% लोगों को ही वैक्सीन के दोनों डोज लगे हैं। कोरोना के 10 सबसे ज्यादा संक्रमित देशों में वैक्सीनेशन के मामलों में भारत सबसे नीचे है। इसका मतलब यह है कि भारत में वैक्सीन की कमी पूरी करने के लिए तुरंत फाइजर और मॉडर्ना जैसी बड़ी कंपनियों को भारत में उतारना पड़ेगा। लेकिन सवाल उठे कि क्या दोनों वैक्सीन का भारतीय लोगों पर ट्रायल हुआ है या नहीं, और अगर नहीं हुआ तो फिर ये वैक्सीन कितनी सुरक्षित मानी जाए। मेडिकल एक्सपर्ट्स का दावा है कि फाइजर और मॉडर्ना जैसी वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और ये वायरस के अलग अलग वेरिएंट पर कारगर भी है। अमेरिका की न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च में दावा किया गया है कि फाइजर और मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन भारत में पाए गए दो वेरिएंट्स पर भी असरदार है। इंडिया में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं तो इंडिया को डेफिनेटली वैक्सीन ही हैं जो हमें इस वेव से एक तरह का एग्जिट दिलवा सकती हैं और हमें बहुत वैक्सीन की जरूरत होगी। फाइजर वैक्सीन अगर इंडिया में आती है तो इट इज गुड न्यूज, क्योंकि फाइजर की जो एफिकेसी है वो भी देखी गई है रियल वर्ल्ड में, काफी अच्छी है, 90-95% है। और जब हम फाइजर की और एस्ट्राजेनेका जो कि कोविशील्ड है इंडिया में उसका कंपैरिजन भी करते हैं तो दोनों में वैसे तो जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज है दोनों में अच्छी पाई जाती है सेकेंड डोज के बाद, लेकिन फर्स्ट डोज के बाद फाइजर में जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज का लेवल है वो कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन से काफी ज्यादा है, लेकिन सेकेंड डोज के बाद वो सिमिलर लेवल्स पर आ ही जाते हैं, बट स्टिल इट इज क्वाइट गुड। सरकार भी फाइजर की वैक्सीन को लेकर आश्वस्त दिखी, तभी तो फाइजर से करार को लेकर सरकार की बातचीत शुरू हो गई। फाइजर इसी साल 5 करोड़ टीके भारत को देने को तैयार है। अगर मंजूरी मिलती है तो जुलाई के महीने में 1 करोड़ डोज और अगस्त में भी 1 करोड़ डोज, सितंबर में 2 करोड़ और अक्टूबर महीने में 1 करोड़ डोज मिलेगा, मगर कंपनी इसके लिए बड़ी छूट चाहती है। फाइजर के मुताबिक उसने अमेरिका समेत 116 देशों से क्षतिपूर्ति के करार किए हैं। दुनिया भर में फाइजर के टीके की अब तक 14,70,00,000 खुराक दी जा चुकी है। हमने बिल्कुल शुरू से हमारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, माय ऑर्गेनाइजेशन हियर,
हमने मिलके इन सब कंपनीज को एंड स्पेसिफिकली फाइजर मॉडर्ना जेएनजे के साथ लगातार बातचीत और कॉन्टैक्ट रखा। इनफैक्ट फाइजर के साथ तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी डिक्लेरेशन वगैरह का जो करार करना पड़ता है वो भी किया, तो कांस्टेंट टच में रहे, इनवाइटिंग देम टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया, इनवाइटिंग देम टू सप्लाई इन इंडिया का एंगेजमेंट शुरू से ट्रांसपेरेंट तरीके से पार्टनरशिप की नजर से चलता हुआ आया है। अब हमें इंडिकेट हुआ कि फाइजर वैक्सीन अवेलेबल उपलब्ध कर सकते हैं, इमीडिएटली उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है और उसकी तरफ हम तरीके से बढ़ रहे हैं। वहीं मॉडर्ना साफ साफ ये कह चुकी है कि वो इस साल भारत में कोई वैक्सीन नहीं दे सकती क्योंकि उसके पास 2021 में अमेरिका से बाहर के लिए टीके का स्टॉक नहीं है। जो लोग स्पुतनिक वी वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उनका इंतजार खत्म होने वाला है। अपोलो अस्पतालों में जून के दूसरे सप्ताह से वैक्सीन लगनी शुरू होगी। देश को विदेशी वैक्सीन की जरूरत तब पड़ी जब देश में टीकाकरण अभियान में शामिल कंपनियों का प्रोडक्शन वक्त के साथ नहीं बढ़ा। अभी देश में टीकाकरण अभियान में दो टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तक 20,57,00,000 टीके की खुराक दी जा चुकी है लेकिन ये रफ्तार बेहद धीमी मानी जा रही है। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक हर महीने 1.5 करोड़ डोज बना रही है जबकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का प्रोडक्शन 6.5 करोड़ प्रति माह है। प्रतिदिन के हिसाब से ये 27,50,000 से 28,50,000 डोज होती है। मौजूदा समय में एक महीने में औसतन 16.5 लाख वैक्सीन डोज लग रही है। इस हिसाब से भारत में सभी को वैक्सीन लगाने में करीब 4 साल का वक्त लग जाएगा। अगर हिंदुस्तान ने वैक्सीन स्ट्रेटेजी नहीं ठीक लगाई, एक बार नहीं अनेक बार लोग मरेंगे। एक वेव नहीं आएगी, दो वेव नहीं आएगी, तीन वेव नहीं आएगी, चार वेव नहीं आएगी, आती जाएंगी क्योंकि वायरस अडेप्ट करता रहेगा। हिंदुस्तान के 3% को आपने वैक्सीन दी, मतलब 97% लोग को कोरोना पकड़ सकता है। राहुल जी, अगर वैक्सीन की चिंता ही करते हो तो जरा अपने कांग्रेस के राज्यों में ध्यान दो, वहां वैक्सीनेशन में गड़बड़ हो रही है। उनको जो एक मई से कोटा दिया गया है 18 से 45 उम्र के लोगों के लिए, उत्पादकों से 25% उनके लिए रिजर्व्ड है, वो तो ले नहीं रहे। कोरोना की दूसरी लहर का आकलन हो या फिर वैक्सीनेशन प्रोग्राम, सरकार की नीतियां सवालों के घेरे में है, पॉलिटिक्स भी हो रही है। लेकिन इसी समय में दूसरी लहर की तबाही से सबक लेते हुए तीसरी लहर की तैयारी करनी होगी, तभी हम संक्रमण से बच पाएंगे। मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी खबर के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए आज तक के साथ।